हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई ट्यूब चैनल मोनिदास। तो दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर एंड वेबसाइट्स में आपको शेयर मार्केट के डेटा के बारे में कहा जाता है, जहां मेजरली FII एंड DII डेटा कॉमन टर्म है जो आपको देखने के लिए एंड सुनने के लिए मिलता है। तो ये जो FII होती है, ये होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जो ये DII होते हैं, ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में जानने वाले हैं कि FII एंड DII होते क्या है। तो दोस्तों, ये जो FII एंड DII होती है, इसको समझने के पहले हम एक मार्केट के एक बेसिक चीज जान लेते हैं कि मार्केट में कितने टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होती है, टू टाइप्स के इन्वेस्टर्स होती है, एक तो है रिटेलर इन्वेस्टर्स और एक होती है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो पहले समझ लेते हैं कि रिटेलर इन्वेस्टर्स होते क्या है। रिटेलर इन्वेस्टर्स मतलब जो अपने अकाउंट खुद ही हैंडल करता है। मान लो कि आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद अपने एक पोर्टफोलियो बनाया, तो ये रिटेलर इन्वेस्टर्स में कहा जाएगा। या फिर कोई भी एक पर्सन अगर 5 या फिर 10% का अकाउंट को हैंडल करता है, तो ये भी रिटेल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में आएगा। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि अगर आप डायरेक्टली कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो कि आपके खुद के एनालिसिस की वाइज, तो आप रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आओगे। तो अभी हम समझते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होती है, ये भी दो टाइप्स की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होती है। एक तो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और एक होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो पहले हम समझते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब कोई दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, USA में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्स है, वो कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाएगा। और ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, कोई भी कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सब बड़े बड़े कंपनी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपेनहाइमर, डेवलपिंग मार्केट्स, वैनगार्ड लिमिटेड, उसके बाद नालंदा इंडिया, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा। जो ये FII होती है, जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है। इक्विटी मार्केट में कोई स्टॉक में जब भी FII इन्वेस्टमेंट करती है, तो स्टॉक में क्या होता है, अनयूजुअली एक्टिविटी आ जाते हैं। और अगर कोई भी कंपनी का मेजर होल्डिंग मोर देन 51% अगर FII के पास चले आते हैं, तो DII फुल कंट्रोल में FII के पास आ जाते हैं। इसलिए सेबी ने एक रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किया है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग सेबी ने ये कहा है कि कोई भी FII अपने जो फुल कैपिटल है, फुल कैपिटल के 24% मैक्सिमम 24% वो कोई भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि FII क्या होती है। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि DII जो कि है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये समझते हैं। DII जो होती है, ये आपके कंट्री के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक इन्वेस्टर्स बैंक्स, उसके बाद है इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होती है, बड़े बड़े अमाउंट इकट्ठा करते हैं, जो बहुत लोगों के पास से लिया जाता है। जैसे कि आप बैंक्स में क्या करते हो, पैसे जमा करते हो, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी में देते हो, उसके बाद आप LIC में पैसे जमा करते हो, म्यूचुअल फंड में भी पैसे रखते हो। तो ये सारे पैसे को इकट्ठा करके वो लोग क्या करते हैं, सही स्टॉक या फिर बॉन्ड्स को रिसर्च करने के बाद उधर क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो खुद के कंट्री में करते हैं, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हो जाएगा। अगर वो बाहर के कंट्री में करते हैं, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कैसे काम करते हैं। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पे चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि आप डेली बेसिस पे FII एंड DII डेटा कैसे आप देख सकते हो। तो इसलिए सिंपली आपको गूगल में चले जाना है। तो गूगल में आपको सर्च करना है NSE FII एंड DII डेटा। तो आप साइट में आप देख सकते हो NSE FII एंड DII आ गया है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हो आप साइट में आपको देखने के लिए मिल रहा है FII एंड DII। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने से इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है 23 अक्टूबर, ठीक है, DII एंड FII के डेटा आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि है बाई वैल्यू इतना, ठीक है, बाई वैल्यू DII के इतना एंड FII के इतना, एंड सेल वैल्यू इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है, एंड नेट वैल्यू भी इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको स्टॉक एज वाला ऐप ओपन कर लेना है।
तो इधर आप देख सकते हो FII एंड DII एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ये छोड़ के भी इधर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं कोई और वीडियो में इस सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। तो सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इधर 20 अक्टूबर का FII एंड DII का डेटा आ गया। उसके बाद आपको 19 अक्टूबर जो प्रीवियस आपको डेटा है, ये प्रीवियस डेटा भी आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो FII एंड DII होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इन लोगों के पास एक रिसर्च टीम होते हैं, ये लोग एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, इसलिए इन लोगों का रिसर्च लेवल बहुत हाई होते हैं। क्योंकि ये जो रिसर्च टीम होती है, ये कोई भी कंपनी में प्रॉपर रिसर्च करते हैं, उसके बाद करेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर पोटेंशियल निकलने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करती है। क्योंकि इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ये काफ़ी बड़ा होते हैं, हजारों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करती है, इसलिए इन लोगों को जो रिसर्च होती है बहुत केयरफुली करना पड़ता है एंड इन्वेस्टमेंट भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि ये जो FII एंड DII है, ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलता हूं नेक्स्ट ऐसे कोई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।